बुधवार को हांसी लघु सचिवालय परिसर के गेट पर दलित संगठनों ने दलितों पर हो रहे हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और ढोल बजाते हुए हांसी पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि गढ़ी गांव के अत्याचार के केस में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अधिवक्ता रजत कलसन द्वारा युवराज सिंह के खिलाफ की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाए और हांसी एसपी कार्यालय में दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही गांव भाटला की राजेश द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। वहीं गढ़ी वाले मामले में बास थाना प्रभारी विजय ने बताया कि 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है और 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक अधिवक्ता रजत कलसन ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से हांसी में दलितों के विरुद्ध अत्याचार का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हरियाणा में दलितों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, और अगर हम खास तौर पे हांसी की बात करें तो हांसी में जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस के एसपी से लेकर चौकी इंचार्ज तक सारे के सारे दलित विरोधी अफसर यहाँ पर बिठाए हुए हैं। अभी फिलहाल जो मौके का मामला गांव गढ़ी का मामला है, और गढ़ी में SC ST एक्ट में पर्चा दर्ज हुआ था दलित समाज के व्यक्ति कुलदीप की, जो दबंगों ने उसके साथ मारपीट की थी। उसके पैर में 3 फ्रैक्चर हैं, हाथ में 2 फ्रैक्चर हैं। 5 लोग भाई ने FIR दर्ज है। पुलिस ने 1 महीना बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की। उनकी हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हो चुकी है, उनकी सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस हो चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने किया था SP के कहने पर, लेकिन जो नारनौंद का DSP है उसने थानेदार को फ़ोन करके कहा कि मेरा मुलजिम है, तूने गिरफ्तार कैसे किया, और उसको DSP ने उस वहाँ से छुड़वा दिया। यहाँ पर जो हमको सूचना दी गई थी वो ये कह दिया कि एक आरोपी आपके थाना बास से हमने गिरफ्तार करा दिया। हमको जो सूचना थी वो गिरफ्तारी की सूचना थी। अब वो कागजों में क्या गल्लू गारा करते हैं उसका हमको नहीं पता। आज आपने क्या प्रदर्शन किया है? आज हमने प्रदर्शन किया है कि गढ़ी वाला जो मामला है, इस वाले मामले के 5 के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो। दूसरा, जो वो DSP है, उस DSP ने किस डील के तहत उस आरोपी को छुड़वाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा हमारी कुछ अन्य मांग और थी, जो युवराज वाला मामला था उस मामले में उन्होंने आज तक पर्चा दर्ज नहीं किया है, वो पर्चा दर्ज हो। और भाटला वाले मामले में एक FIR नंबर 352/18 है, उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी बकाया है, वो गिरफ्तार करो। और SP ऑफिस में जो हमारे समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो हमारे लोगों को धक्के मारे जाते हैं, जो इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस ऑफिसर हैं या वो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ये सारी की सारी आज हमारी मांग है। गढ़ी में जो घटना थी उसको पेड़ से बांध के पीटा गया था, और जो 5-7 लोग थे उसको पहले घर पे बुलाया गया था किसी बहाने से, फिर उसके साथ मारपीट की गई थी। कितने लोग शामिल हैं आपके? उसमें 5 लोग शामिल हैं, जो बाई नेम हमने FIR दर्ज, 6 लोग शामिल हैं जिसमें हमने बाई नेम जो FIR दर्ज कराई। केवल एक ही एक अरेस्ट किया था और एक गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी सारी गिरफ्तारी नहीं की। चाचा जी मेरा, उसने जी घर से बुला के ले गए थे, और मंदा रोड है दोनों ऑर्डर ले जाके उसको मारा है, खूब मारा है, 6 दिन मार के हमने तो 5-6 सूचना दी है। अब भाई तिरका का चोट मारा की है, अरे लिया और फिर भी वो बोले रंजिश क्या थी, कारण क्या बताया था? रंजिश कुछ कौन थी जी, वो बोले जी गाड़ी पर चलानी है हमारी, बस या रंजिश थी और कोई रंजिश कौन थी जी? हाँ ड्राइवर है जी, वो पुराना ड्राइवर है, बहुत सुना। कितने दिन पहले की घटना है ये? 30 तारीख की है जी, छठा भी नहीं, 30 तारीख की बात है। आपने प्रदर्शन किया है तो आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है जी, जो इतने दोषी हैं वो गिरफ्तार करो। देखिए जो मामला है वो गढ़ी गांव का है, उसमें अरेस्ट हुई है, 2 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो DSP नारनौंद के पास है, वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे भी हालात होंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा उस तरह से कार्रवाई। मामला कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है? मामला इसमें 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसमें से 2 अरेस्ट हो चुके हैं, और फर्दर जैसे भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो DSP साहब जैसे भी उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, वैसे फर्दर अरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है।